डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करेंगे टाई दिस पेज नंबर 40। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फाइंड, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन इंटू है, आप हमेशा याद रखेंगे न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर इंटू होगा और डिनोमिनेटर के साथ हमारा डिनोमिनेटर इंटू होगा। तो देखिए 1 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ पे और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1/3 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 5, ठीक है। तो ये होगा 2/15, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 4 और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 4 32 और 3 इंटू 7 21। देखिए ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये हो जाएगा 1/11/21, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिए 3/4 इंटू 2/3, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 से 4 डिवाइड होता है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 और ये भी 1, तो हमारा यहाँ पे आ गया 1/2, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं। देखिए यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको अगर इम्प्रॉपर में लाना है तो देखिए 1 इंटू 21, ठीक है, +11/21। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 32/21। ये आपका आंसर था। तो ये है ना आपको समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया, वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, हम आपकी डाउट लेकर नहीं केवल कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, हमें भी शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो आप हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम जब लोगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।